इससे बहुत उम्मीद किया जाता है, अगर किसी गर्लफ्रेंड को दीजिएगा ना तो भरोसा जीत भी सकती है आपका दिल का, और कभी धोखा भी दे सकती है, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो मोदी जी को हमने भरोसा पे दे दिया, यही फूल पे, अब हम लोग को धोखा दे रहे भाई साहब। तो ये इसी से ना हमको दिलवा टूटा है जी, मोदी जी के इसी पे ना दबाए थे भोटवा, अब दबाएंगे, देख रहे मुरझा रहा है, देख रहे हैं इसी तरह से मुरझा जाएंगे। 2000 के नोट जैसे कि विदा हो ले ना, उसी मोदी जी 24 में विदा हो जाएगा, मोदी जी विदा हो जाएगा। इस बार हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है, हाँ घर घर मोदी कहीं सुनते हैं, मोदी जी रोड पे है, घर पे नहीं है। अच्छा, घर पे नहीं है, घर पे रहते ना तो उनको इज्जत होते। कांग्रेस आवेगा भाई। अच्छा कांग्रेस आएगा, एकदम आएगा, तो पक्का। मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो जाएगा जहाँ से आया वहाँ जाएगा, चाय बेचेगा और क्या करेगा। अच्छा, कह रहे हैं बिहार में आके चाय पी के जाएंगे, तो आप चाय पी के जाइएगा तो चीनी मिल तो सब बंद है जी, कहाँ वाला उत्तर प्रदेश वाला वहाँ से मंगवाइएगा। थारी बहुत बजवाया और मोमबत्ती दिखाया, अब ये लगता है कि उसी को मोमबत्ती दिखा देगा जनता। बम फटा था भाई साहब ना, हम लोग गांधी मैदान में थे, सबको आगे भाग जाओ बम फटेगा, हम कहीं हम आए हैं तो मोदी जी के लिए मर के जाएंगे तो मर के जाएंगे, समझ गया ना। उतना उनके लिए हम जान देने के तैयार थे, गांधी मैदान में भी खड़े थे, पर मोदी जी आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग का धोखा दिए। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, इसी पर हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव पे इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर लोग बदलाव चाह रहे हैं। सीधे लोगों से जुड़ेंगे और बिहार के जनता से बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसे चुनकर गद्दी, जनता चाहे तो उसे चुनकर गद्दी पे बैठा सकती है। तो सीधे जुड़ते हैं, कई सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, कमल लेके खड़े हैं, क्या लग रहा है, पूरे देश में कमल खिल रहा है क्या 24 में? इससे बहुत उम्मीद किया जाता है, अगर किसी गर्लफ्रेंड को दीजिएगा ना तो भरोसा जीत भी सकती है आपका दिल का, और कभी धोखा भी दे सकती है, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो मोदी जी को हमने भरोसा पे दे दिया, यही फूल पे, अब हम लोग को धोखा दे रहे भाई साहब। मोदी जी धोखा दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं ना। अच्छा, क्या धोखा दे रहे हैं? बहुत सारे बात उन्होंने किया था, 2-2 करोड़ की बात किए थे, 1 करोड़ भी उन्होंने पूरा नहीं किया, महंगाई कम करने की बात किए, बाकी महंगाई इतना कर दी है ना, ये समझिए कि घर में आपको खाना बनेगा ना तो बिना जीरा गोलकी के खाइएगा, समझ सकते हैं बात। बोले थे काला धन वापस लाएंगे, सारे यहाँ हमारे यहाँ से जितना भागी था ना, लाने के बाद कहते बाकी हमारे यहाँ से सब भाग गया, तनी मनी सहारा पैसा रखते थे पल्स में वो लेके भाग गया। हम मोदी जी कहते 100 दिन में खोज के ला देंगे, आ समझिए कि कितना दिन हो गया, 10 साल में अभी तक खोज के लेबे नहीं किए हैं। तो ये इसी से ना हमको दिलवा टूटा है जी, मोदी जी के इसी पे ना दबाए थे भोटवा, अब दबाएंगे, देख रहे हैं मुरझा रहा है, देख रहे हैं इसी तरह से मुरझा जाएंगे। क्या होगा 24 में, क्या कुछ होगा इस बार? अब है तो मुरझा जाएंगे वो 24 में, देखिए 24 में कांग्रेस आएगा और क्या, कांग्रेस जैसा कोई देश चला सकता है जी? कांग्रेस में देखते हैं गैस सिलेंडर को जो उतना दिन राज किया तो सर 300 से 400 से 500 पार नहीं करने दिया, कंट्रोल में रखता था, 500 ऊपर नहीं होने दिया, हमारे मोदी जी 10 साल में 1000 से ऊपर 1200-1300 कर दिए। आप बात समझ सकते हैं ना, जीरा गोल के जो 100 रुपये मिलता था 1000 से ऊपर कर दिए, जो छोटा मोटा जो लहसुन टमाटर ये सब जो फ्री में सब्जी में जाइएगा दो डाल देता है उसको भी 400 पार कर दिए, अदरको डाल देता है सब्जी लेने जाइएगा तो फ्री वाला दुकान ओकरो 400 कर दिए, मिर्चा तो कहीं भी जाइएगा तो इसी देता है उसको भी 400 पार, और लहसुन को आधा तो लहसुन भारत में आदमी खाता नहीं है उसको भी अभी 400 पार का है। मोदी जी आपको मुद्दे से ना 40 को 39 को बिहार को दिए थे जी, कह रहे हैं कि बिहार में आके चाय पी के जाएंगे, तो आप चाय पी के जाइएगा तो चीनी मिल तो सब बंद है जी, कहाँ वाला उत्तर प्रदेश वाला वहाँ से मंगवाइएगा। क्या होगा 24 में, क्या लहर लग रहा है? लहर क्या लग रहा है युवा से पूछिए ना जी, युवा तो उनको खोज रहा है कि आइए मोदी जी आपका वेलकम है, स्वागत है, ऐसे में अतिथि देवो भव, बिहार में ऐसे भी हम लोग स्वागत किसी को भी करते हो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर उनको पहले जो झोंक था ना हवा जैसे चलता है ना उस समय 2014-19 वाला नहीं झोंक सोचिए, पहले बिना कहने पहले हम लोग भी 14 में गांधी मैदान में बिना पैसा के गए थे मोदी जी के देखने के लिए, अब पैसा भी कोई देगा ना बीजेपी वाला कि चलो रैली में, तब पैसा पे भी अब नहीं जाएंगे। आ युवा पहले मोदी जी को भगवान की तरफ पूछता था कैसे हैं भगवान जी, सब देखने जाता टीवी चालू होता मोदी जी के है सब देखता था, अब मोदी जी ऐसे मन की बात करते हैं ना तो बंद कर मोदी जी आ गए सामने, समझिए बात को, ऐसा उनके प्रति ये हो गया है, बच्चे से पूछिए भैया बात ठीक बोल ये बात है, युवा उनको पहले भगवान की तरफ पूछता था, हम लोग पूछते थे जब यहाँ बम फटा था भाई साहब ना, हम लोग गांधी मैदान में थे, सबको आगे भाग जाओ बम फटेगा, हम कहीं हम आए हैं तो मोदी जी के लिए मर के जाएंगे तो मर के जाएंगे,
समझ गया ना, उतना उनके लिए हम जान देने के तैयार थे, गांधी मैदान में भी खड़े थे। पर मोदी जी आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग का धोखा दिए। कांग्रेस आएगी इस बार, कांग्रेस आएगी इस बार जो है होगा चाचा 24 लोकसभा चुनाव पे 24 में इस बार कांग्रेस आएगी। और मोदी जी है ना, वो बहुत आदमी को झूठ बोल करके बहुत बात बोल झूठ बोला है, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अब बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, क्यों मोदी जी से क्या दिक्कत है, खुश नहीं है क्या? मोदी जी से बहुत दिक्कत है, हम लोग का गरीबी बेरोजगारी सब कर दिया उसने। बेरोजगारी भी कि 9 साल बेमिसाल है मोदी जी का। दो कहने का ये आप लोग कहते हैं उसका खाली झूठे बोलता है, खाली झूठ बोलते हैं। अब की तो क्या 24 में बदलाव होने जा रहा है? 24 में बदलाव होगा इस बार। कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे इस बार। कहने से क्या होगा, कहेगा कहने से कहता है 400 पार होगा। हाँ मोदी जी कह रहे होगा एकदम पार होगा, ये कह रहे हैं 400 पार होगा एकदम। इसमें कोई नहीं सकता है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। अरे भाई कहने दीजिए, जिसको कहना है कहेगा। लेकिन परिवर्तन इस बार हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं है। घर घर मोदी कहीं सुनते हैं? बदलाव चाह रहे हैं, अभी बदलाव होगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं चाचा? हम कह रहे हैं कि मोदी जी रोड पे है, घर पे नहीं है। अच्छा, घर पे नहीं है, घर पे रहते ना तो उनको इज्जत होते है। तो इस बार क्या होगा 24 चुनाव पे? चुनाव पे कांग्रेस आएगा भाई। अच्छा कांग्रेस आएगा? हाँ एकदम आएगा, तो पक्का। मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो जाएगा जहाँ से आया हुआ जाएगा, चाय बेचेगा और क्या करेगा। अच्छा कह रहे हैं कि देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहा है। घंटा हमार कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, आप लोग बदलाव चाह रहे फिर? मोदी जी कहाँ विकास कर रहा है भाई, सबका सबका विकास भाई। वो नारा चश्मा दिखा रहा है। अच्छा काम हुआ कि नहीं जनता का? नौशाद कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत है? बहुत कुछ दिक्कत है, रोजगार चाहिए हम लोग का बाल बच्चा का, और क्या चाहिए। बिहार का आदमी जाता है स्टेट में काम, कहता है कि बिहारी आ गया। एकदम परिवर्तन चाह रहे हैं, एकदम काट दिए। परिवर्तन थारी बहुत बजवाया और मोमबत्ती दिखाया, अब अरे लगता है कि उसी को मोमबत्ती दिखा देगा जनता। मोदी जी को मोमबत्ती दिखा दीजिएगा, एकदम दिखा देगा, देख लीजिएगा। परिवर्तन चाह रहे हैं, 2000 के नोट जैसे कि विदा हो ले ना, उसी मोदी जी 24 में विदा हो जाएगा। मोदी जी विदा हो जाएंगे? कहाँ विदा हो जाएंगे? गद्दी गुजरात भागेंगे। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं 24 में। 2000 का नोट मोदी जी चालू किया है ना, वैसे नोट जैसे गायब, जैसे मोदी जी बिहार से गायब पूरे देश से। मोदी जी की गारंटी चल रही है भैया। हाँ गारंटी, नीतीश कुमार का गारंटी पहले गारंटी नीतीश कुमार के लेंगे कि पलटी मारेंगे कि ना मारेंगे, तब मोदी जी साथ में हार जाएंगे। आप लोग पूरा परिवर्तन चाह रहे हैं, मोदी जी बदलाव था। क्या कह रहे हैं? राम मंदिर बना है, राम जी का फोटो ना रहना चाहिए कि मोदी जी के फोटो रहना चाहिए, बताइए। अभी रहेगा ना वहाँ मोदी जी का अति लगा हुआ है फोटो, कौन हिसाब से लगा हुआ? कह रहे कि जो राम जी को लाए हम उनको लाएंगे। कब लाएंगे? 24 में लाएंगे मोदी। 24 में नहीं जीतेगा भैया, कह दिए जो नहीं आएंगे, आएंगे 24 में नहीं आएंगे। 24 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, कांग्रेस का सरकार आएगा तो आएगा। 24 में कांग्रेस आएगा? हाँ आएगा तो आएगा। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से ही है, 4 साल के नौकरी के बाद कहाँ जाएगा युवा, ये बताइए पहले भैया। बोले कहाँ जाएंगे पहले बताइए, 4 साल के नौकरी जो पुल, एक बात बताते, पुलवामा हमारा किसको करवाया हुआ है? मोदी जी को। मोदी जी करवाया, कैसे अटैक हो गया? कह रहे मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ न देश का रोशन करेंगे भैया, आप बर्बाद कर देंगे, दिन प्रति दिन प्रति बेच देंगे उसका सरकार आपकी नहीं चलेगा। और नीतीश के अपना पहले सुधार है, तब अपना अपने सुधार से। मोदी जी बदलाव हो रहा है इस बार? हाँ इस बार बदलाव होगा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार कर रहे हैं इस बार। आपकी जितना नहीं जीतेगा, कोई हाल में नहीं जीतेगा मोदी, कोई हाल में नहीं जीतेगा। पूरा परिवर्तन ठान लिए? हाँ ठान लिए, तो बार ठान लिए। एक बात बताते हैं, एक जोन में असिस्टेंट लोगों को क्या आता था, अब पूरा जोन में 5000 आया हुआ भैया, बताइए कौन हिसाब से लड़कन भर सकता है? जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने गया था कैसे कैंसिल हो गया, सारा हाथ उसका है। बिहार पुलिस भी वही हाल है, सारा चीज वही हाल है, ट्रेन में लटक के जाता, मर के जाता, तब वो कहता टिकट दिखाओ, कहां से भी वाला आएगा पैसा, बताइए आप ही भैया।
कह रहे हैं कि मोदी जी सबके अच्छे दिन ला दिए। अच्छे दिन कुछ नहीं लाए भैया, भविष्य ले लिए। सबसे बड़ा लड़कन को लोग अग्नि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर अच्छा दिन आ गया था ना, तो हम लोग यूपी से आके यहाँ एग्जाम देने नहीं आते। अच्छा हाँ, ना यूपी में वैकेंसियाँ निकल रही है ना कहीं निकल रही। यूपी में वैकेंसियाँ जो निकल रही है वो भी लीक करा दिया जा रहा है पेपर। अब बताइए ये सरकार है कि क्या है? तो क्या होगा 24 में, इस बार क्या कुछ होगा? हमारा तो साफ है कि हम तो कांग्रेस को लाएंगे। अच्छा, परिवर्तन करेंगे आप लोग? हाँ, हम करेंगे परिवर्तन। क्यों परिवर्तन, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं, हमको ना अभी हमारा 23 साल उम्र हो गया है, कब तक हम घर वालों को उस पर जीते रहेंगे? तो जब हमको तुम नौकरी नहीं दोगे, कोई रोजगार नहीं दोगे, तो हम कब तक यहाँ पे ऐसे ही दौड़ते रहेंगे? मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा युवाओं को। तो कहाँ मिला है वो तो हमको दिखाइए आप, कहीं पे है प्रूफ कि वो दिए हैं 2 करोड़ हर साल? जब से उनकी सरकार है तब से आप गिन लीजिए कि उनका कितना अभी तक मिला है। हाँ। कितनी वैकेंसियाँ दी हैं, कितनी नौकरियाँ दी हैं युवाओं को? यानी बदलाव हो रहा है इस बार? अब देखिए, अब सभी से युवा जुटे एक साथ, सब करें तो बदलाव तो होगा ही। आप लोग पूरा बदलाव चाह रहे हैं? एकदम, हम पूरा बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। परिवर्तन चाह रहे हैं एकदम पूरा। हम 100% कह रहे हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए। कह रहे मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरा? अरे कहाँ गारंटी चल रही, मोदी जी घूम रहे यहाँ से लेके विदेश तक। जब चुनाव आता है तब हमारे जिले, हमारे शहर, हमारे हर जगह आते हैं घूमने के लिए। उसके पहले तो आते नहीं है घूमने के लिए, उसके पहले देखेंगे नहीं कि युवा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। मेरा सरकार से एक मांग है, जैसा कि पिछली बार मैंने चुनाव में देखा, 5 स्टेट में इलेक्शन था, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारे मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने गए और वो बोले कि हम 500 में सिलेंडर देंगे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि जब आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे सकते हो तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं? तो इसका मतलब कि आपके मुताबिक है कि जब मन करेगा आप जिस स्टेट को चाहिए दीजिएगा, जब चाहिए जिस स्टेट को नहीं दीजिएगा। तो फिर तो कोई तेल के रेट का या उसके नफा नुकसान से कोई मतलब रह नहीं जाता है। यानी कि जब आपको लगेगा कि मुझे इस स्टेट को देना है तो आप दोगे। तो गलती कहीं ना कहीं हम जनता की भी है, हम जनता भी मांग करें कि सर मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, अगर सबको चाहिए भैया। तो मेरा सरकार से मांग है कि विशेष ध्यान दें आप इस पर। जब आप 2 स्टेट को दे सकते हैं तो बाकी स्टेट को भी आप दे सकते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है सर, 24 का लोकसभा चुनाव भी है, बेहद नज़दीक है, क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? देखिए, चुनाव का समीकरण बनते एक दिन में बिगड़ जाता है, बनता है और बिगड़ता है, ठीक है? तो अभी समय पहले इलेक्शन की तारीख आने दीजिए, उसके बाद जनता खुद फैसला करे उसको क्या चाहिए। मैंने जो बात रखा जनता उससे सहमत है या जनता किसी राष्ट्रीय जो भी पार्टी दल बोलता है उस पर सहमत है, पर मेरा जनता होने के नाते ये मांग था कि जब आप 2 स्टेट में दे सकते हैं तो आप हमको भी दे सकते हैं। तो बस जनता को सोचना यही काम है, आप किसी का सपोर्ट कीजिए पर अपने हित की भी बात कीजिए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं सर, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ होगा 24 में, इस बार बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर से आएंगे? अब देखा जाए, हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ। पेपर देने आए यहाँ, ये अच्छा। पटना में आप अयोध्या से आए हैं जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है? जी जी। तो कैसा माहौल है आपके यहाँ? माहौल तो अच्छा है, देखो यहाँ का क्या माहौल है, हमारे उधर का तो ठीक है, यहाँ का भी हम नहीं बता सकते कुछ जानकारी। क्या माहौल है, इस बार बदलाव होने जा रहा है फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? अब हमारे यहाँ तो आ रहे हैं, यहाँ का कुछ नहीं बता सकते हम लोग। हाँ। जितना हमारा वो है अयोध्या की में आ रहे हैं। अच्छा। अब यहाँ का नहीं बता सकते हम जो हमारे अयोध्या में आ रहे हैं। कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं मोदी जी? कार्यकाल अयोध्या में हमारे उधर तो अच्छा है फिलहाल, जो है फिलहाल अच्छा ही है। हाँ। कार्यकाल अच्छा है। रोजगार वगैरह मिला है आप लोग को? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। ये चीज़ है कि रोजगार के मामले में एमएससी करके मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बीपीएससी का पेपर देने आया हूँ। अच्छा। रोजगार के मामले में कुछ नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, रोजगार कुछ नहीं, रोजगार को कुछ नहीं। महंगाई तो बहुत कुछ है, लेकिन महंगाई तो है लेकिन ये नौकरी का हम लोग को कुछ नहीं, बेरोजगारी है। अफसोस आता है हमको एक ही बात, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो बोले थे कि मैं डॉलर रुपया एक कर दूंगा। हाँ। जनता को उम्मीद हुआ कि चलो इस देश का भला हो जाएगा, लेकिन वो 65 से जगह 85 पहुंच गया। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, हम जनता को थोड़ा सोचने की जरूरत है, पागल है। बाकी आपकी मर्जी, आप जिसको वोट करो। हाँ। मेरा काम है आपके आगे बात रखना, अगर आप सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत तो भी ठीक है। अच्छा। बस हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता का भला हो, हमारे देश का भला हो, हमारे स्टेट का भला हो, खाली नेताओं का भला ना हो। तो मोदी जी भी आ रहे हैं बिहार, 2 तारीख को बिहार आ रहे हैं। ये बहुत क्या, यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अब मैंने क्या बोला कि इलेक्शन आया तो घोषणा कर दिए 500 में देंगे, फिर इलेक्शन आने वाला है भाई, फिर अब जनता सोचे। हाँ। जनता सोचे कि उसको अब
फिर वही बात हो गया कि 4.5 साल तक आप महंगाई के दंश से झेलते रहो और 6 महीना में हम कुछ कम कर देते हैं। तो डिसाइड आपको करना है, आपको 6 महीना चाहिए कि 4.5 साल चाहिए। अब ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, हमने लोगों की मुद्दों को जाना, लोगों से चर्चा किया क्या कुछ होगा 2024 में। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लोगों ने अपने अपने बातों को रखा, किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, हमारे इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।